नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस वक्त जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में मौजूद हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान है विनोद द्वार, जो बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले हैं और अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने मुंबई में बिताए हैं। तमाम बड़े मंचों पे गाते आ रहे हैं और तमाम जो बड़े मंच पे उन्हें सम्मानित भी किया गया। आज वो हमारे साथ है, हम तमाम तरह की बात करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि अब तक का सफर आपने कैसे किया। सबसे पहले मधेपुरा लाइव न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप, मेरा पहला सवाल आपसे कि आप मधुबनी से आते हैं जी, बिहार में आता है मधुबनी, और आपने अपना सारा कुछ मुंबई में किया, तो कैसा कुछ रहा उसके बारे में बताइए। जब 23-24 साल पहले ही मैं मुंबई चला गया और मुझे संगीत से ही लगाव था, मुझे संगीत में ही कुछ करना था, खासकर गायकी में। और मैं मुंबई गया, मुंबई में मैंने संगीत गंधर्व महाविद्यालय मीरज से मैंने संगीत की शिक्षा ली। मेरे गुरु गजानन सालुंके जी, जो का किराना घराना से हैं, मैंने संगीत की वहीं शिक्षा ली। और सिनेमा में स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए बस यहाँ तक आपके सामने अभी तक पहुँचा हूँ, और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो आगे भी। जैसे कि आप बता रहे थे कि मेरा मतलब सारा कुछ हमने इनसे ही किया और मुंबई में रह के अपनी शिक्षा प्राप्त की, मेरा एक सवाल आपसे है कि जहाँ तक अभी के समय में जो लोग अक्सर काफी बढ़ चढ़ कर मैथिली के संबंध में या फिर और भी जो गाना वगैरह गाते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैथिली भाषा को मातृभाषा से तो सब मातृत्व से तो सबको लगाव होता है, चाहे कोई भी हो। वैसे आपको मैं बता दूं, अपनी भाषा के साथ साथ जोड़ के मैं लगभग 14 भाषा में गाना गाता हूँ और मैंने गाया है जब से रिकॉर्डेड। और मैं काफ़ी, ये मुंबई का देन है, मुंबई में जो संघर्ष, मुंबई के सिनेमा जगत में मैं संघर्ष किया और कहते हैं कि घंसते घंसते ही मैंने सीखा है। तो मातृभाषा से तो प्रेम सबको है, मुझे भी है, अपने स्थान से, अपनी मिट्टी से, अपनी मिट्टी पानी से, पूरे देश से प्रेम है, लेकिन मातृभाषा से और अपने मातृ तो जगह से, जो जगह है अपना, उससे ज़्यादा है। और मैथिली में मैं गाना भी चाहता हूँ, गाता हूँ, मैंने फिल्म में, मैथिली फिल्म में मैंने एक्टिंग भी की, गाए, मैंने गाना भी गाया। तो मैथिली भाषा में चल रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और हो रहा है, और मैं भी कर रहा हूँ। तो इतना सारा कुछ आप किए हैं, क्या ये विरासत से मिली है या फिर खुद से किए हैं? जी नहीं, मेरे परिवार में कोई गाने वाले, बजाने वाले, संगीत से कोई नहीं, कोई जुड़ा नहीं है, चाहे ना तो मेरे ननिहाल में, ना ही पिताजी के इधर, कोई नहीं, सिर्फ मुझ में ही, पता नहीं परमात्मा का आशीर्वाद है कि मुझ में संगीत था, संगीत ने, उस परमात्मा ने मेरे अंदर संगीत की जिज्ञासा दी, जो जिससे मैं संगीत सीखने का शुरुआत किया। और मेहनत करते हुए आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के प्यार से मैं यहाँ आया। तो पहला आपसे कौन सा ऐसा गाना रहा जो इस मुकाम तक पहुँचाया था? और तमाम गाने मैंने काफ़ी गाए हैं, कुछ कुछ ऐसे, एक फिल्म थी बहुत पहले आई थी सौतन, फिल्म सौतन में निखिल विनय का म्यूजिक था, और उसमें फिल्म की हीरोइन जो थी महिमा चौधरी, तो अगर आप YouTube पे देखेंगे तो गाना पहला ही वो टाइटल सॉन्ग है, वो राजस्थानी फोक है। मैं जैसे आपको बताया कि मैं 14 भाषा में गा चुका हूँ और अभी भी गा रहा हूँ, तो राजस्थानी फोक था जो आपको मैं अरे हेलो रे हले रे माँ हेलो रे हेलो ऐ तो दूध पतासा पियो रे ऐ तो दूध पतासा पियो पियो रे अरे हेलो रे हले रे माँ हेलो हेलो। ये महिमा चौधरी के ऊपर मेरा गाना फिल्माया गया, तो वो वहाँ शुरुआत है। उससे पहले भी मैंने फैज अनवर की फिल्म चांद बुझ गया में बैकग्राउंड गाया, और गुड्डू धनवा की फिल्म, अभी जो गुड्डू धनवा जितने बड़े डायरेक्टर जिसने सलाखें बनाई, दीवाना ऋषि कपूर शाहरुख खान का दीवाना बनाया, बिच्छू, शहीद, और काफ़ी फिल्में उन्होंने निर्माण किया है। उनकी एक पंजाबी फिल्म में भी मैंने अभी ये किया है, बैकग्राउंड गाया है, और अभी मैं उनकी अगली फिल्म में भी गाने वाला हूँ जो मिला है। जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि आप जब गाना गाते हैं तो सोशल मीडिया पे आपका काफ़ी वो गाना वायरल होता है, वो कौन सा गाना है आपका वायरल गाना? अभी तक एक है जन्म अनमोल रे मैंने गाया है, जो एक
एल्बम से था, और एक फिल्म थी जय जय सुंदरकांड, उसके लिए मैंने गाया था। उसमें क्या सोचा था क्या हो गया, ये काफ़ी लोगों ने सुना है, ये गीत यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। और गुजराती गाना मैंने गाया है वो स्वामी नारायण के लिए, भी गाना लोग काफ़ी सुने हैं। ये चीज़ सब है। एक बात जानने का हम कोशिश करेंगे, अगर मतलब अभी का जो युवा है अगर संगीत के क्षेत्र में वो अपना कुछ बेहतर करना चाहता है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसे बोल देंगे कि नहीं हमें संगीत करना है या कीबोर्ड बजाना है या सितार बजाना है या गाना करना है या डांस करना है, तो आप ये मत देखिए, देखिए संगीत या कला को सेवा रूप में देखिए, स्वार्थ की मत देखिए। जब भी जहाँ स्वार्थ आ जाएगा कि फलाना का नाम हो गया, मैं भी ये करके मेरा भी नाम हो जाएगा तो मैं भी लाखों लेने लगा, नहीं, जब सेवा कीजिएगा तब वो देगा। संगीत ऐसा ऐसे जितना आप उसको ये करेंगे, संगीत क्या जो भी कला है, एक्टिंग हो, डांस हो, आप पियानो बजा रहे हैं, आप तबला बजा रहे हैं, आप सितार बजा रहे हैं, जितना उस पर ये करेंगे उतना ही आपको मिलेगा, और दूर जितना जाएंगे उतना ही आपको। अब व्यवसाय है क्या कि संगीत कला, कोई भी कला को आप कलाकार को या कला का आप मूल्य नहीं आंक सकते कि कितने का है या कितने का है। कोई भी कलाकार, चाहे कोई कलाकार छोटा हो या छोटे से छोटे गायक हो या बजाने वालों को भी, लेकिन है क्या जब वो करें, जब वो उसका भी तो परिवार है, सब कुछ है, बहुत कुछ है कि करना चाहिए, रोटी पानी है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो वो चीज़ उसका एक सेवा लिया जाता है। तो कहने जो रुपये अथवा उसके उसमें होता है, लेकिन किसी भी कला को सेवा भावना से कीजिए, स्वार्थ नहीं, और ये नहीं कि मैं ये कर लूँगा तो मेरा नाम हो जाएगा, फलना हो जाएगा, तो नहीं, पहले सेवा कीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। संगीत कर संगीत पे कला को सेवा कीजिए और मन से कीजिए, तब जाके आपको आगे कुछ होने वाला है। भोजपुरी को आप कैसे देखते हैं? देखिए भोजपुरी कलाकार मेरे बड़े करीबी रहे हैं, मैं मनोज जी के साथ काम किया, मैंने निरहुआ के साथ पहली फिल्म है, निरहुआ की पहली फिल्म आई थी हो गए और हनिया वाली से, और उसके बाद जो फिल्म आई थी हाँ हो गए प्यार और हनिया वाली से, तलब मुसाफिर से पहले आया था, मुख्य पर हो गए प्यार और हनिया वाली का अरेंजमेंट मैंने ही किया था, और काफ़ी अच्छा शब्द अच्छे हों तो बहुत अच्छा है, पर क्या है कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ कुछ लोग ऐसे अश्लील शब्द जनता के बीच और लोगों के बीच में डाल रहे हैं, वो मैं मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि संगीत और भाषा के प्रति, उस समुदाय के प्रति, जैसे भोजपुरी समुदाय के लोग हैं, ये बोलने वाले या जानने वाले या समझने वाले या गाने वाले, तो उनको एक अलग दृष्टि से देखते हैं, अच्छा बोलते डबल मीनिंग का होगा, जहाँ तक जो कि मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बात कह रहा हूँ, सीधा बोले तो भोजपुरी, अच्छा उसमें डबल मीनिंग चलता है ना, तो वहाँ वो हो गया। तो मैं मानता हूँ कि पहले भी भोजपुरी फिल्म बनती थी, पहले भी भोजपुरी गायक थे, आज भी हैं, और मैं चाहता हूँ स्वच्छ और विशुद्ध और अच्छे शब्द होने चाहिए, मैं चाहता हूँ इस प्रकार के गाने बने तो बहुत बढ़िया होगा। मगर एक बात सामने आती है कि अक्सर लोग भोजपुरी की तरफ जाते हैं और संगीत गायन वादन हिंदी फिल्म में काफी उतना सारा कुछ नहीं रहा, जिस कारण से लोग उस रास्ते की ओर जा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि लोग को आजकल ऐसे ऐसे हैं कि लोग हैं कि तीन गाना गा के सोचता है कि मैं भी स्टार बन जाऊँ, फिल्म में आ जाऊँ और मेरा मैं भी रात ये बन जाऊँ, पर वो जब आप ये सोच के कर रहे हैं कि हम स्टार बन जाएंगे, स्टार मत बनिए, अरे बनना होगा तो आप अपने आप बन जाएंगे, ये जनता है अपने आप बना देगी। ऊपर आप जिस चीज़ के लिए सेवा कीजिए, यही है। काफ़ी कलाकार को देख रहा हूँ, तीन चार हो गीता, छठ पूजा आ गया तो छठ के चार हो गीता, शब्द भी ऐसे होता है कि आपके संस्कार से ही दूर हो जाता है, वो चीज़ संस्कार से काफ़ी दूर रहता है, जो शब्द होते हैं कुछ से कुछ। अब भी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो आप खुद जानते हैं कि जो हमारे पारंपरिक चीज़ है, जो हमारे पुराने पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ गया है, हमारे पूर्वज जो हमारे लिए छोड़ गए संगीत और शब्द, इतने अच्छे अच्छे शब्द छोड़ गए, हम उसको समेटे, उसको बड़ा बनाए, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाए, बेहद हाँ बढ़िया से बने। जैसे मैं भी गाता हूँ,
नागपुर भी गाता हूँ, जागा जागा ए नदिया महलिया चोर। अभी महलिया क्या है, शरीर रूप है, और चोर कौन है, कान क्रोध लोभ मोह छल कपट, ये सब चोर है। तो इसको जगा रहे कबीर के चीज़ कि जागो, ये आपके शरीर रूप जो महल है उसमें घुस जाएगा। तो इस चीज को भी मैं गा रहा हूँ, मैं बढ़िया से गाता हूँ, बहुत सारी चीज को मैं गाता हूँ, पूरी भी गाता हूँ, मैं खुद कजरी गाता हूँ, ये सब गाता हूँ। लेकिन क्या है ना कि शब्द अच्छे हो तो बहुत ही बेहतर होगा। और मैं सबको चाहूंगा आप नाम धारण करने के चक्कर में मत आइए, नाम होना होगा तो हो जाएगा। चीज अच्छे गई, शब्द अच्छे गए, संगीत अच्छा गए, उसमें अश्लीलता मत करो। जैसा कि आप कह रहे थे कि 15% में हम गा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा गा सकते हैं? देखिए भाषा हमें भी सफर में कन्नड़ भी गाया तो कठोर लगा मुझे गाने में। तो फिर कैसे गा लीजिए? गीत का हमें समझाते हैं कि ऐसे इसका मीनिंग है। जैसे इब्बनी, इब्बनी था फिल्म का नाम था, इब्बनी, इब्बनी का मतलब था कुहासा, धुंध। तो इसमें बताया मैं आपको गा के ही बता। इब्बनी कर दाए तो प्रीति के अनहर होए तो, मेरे को कांदा बंधन के कंबन दाए तो, इब्बनी कर दाए तो प्रीति की अनहर होए तो। मतलब पता कि क्या है, जब तक आप मुझे मीनिंग नहीं बताएंगे वो फील नहीं दे पाएंगे। तो मैं जैसे आप नहीं समझ पाए, मैंने कहा तो उसी तरह गीतकार ने मुझे बताया, गा दिया, बोल बता दिया, मैं सब तो बातें इबनी करण लाए तो प्रीति किरण हर दे हुई। मतलब इबनी मतलब धुंध इतना है जो प्रीत का किरण मुझे दिख नहीं रहा है, प्रीत का किरण दिख नहीं रहा है, वो किसका ही नाम था इबनी। तो मगर एक सवाल जी, इस तरह से आप कह रहे थे इबन एक गाना था जो आप गाए थे जी, मगर जो आपको देखने आते हैं सुनने आते हैं तो उनको तो काफी परेशानी होती होगी समझाने में, तो फिर उसको कैसे समझाते? नहीं देखिए, कला संगीत का भी एक व्याकरण है। कलाकार को किसी भी भाषा दे दीजिए, लता दीदी 32 भाषा में गाते हैं, उदित जी हमारे 34 भाषा में गा चुके हैं, तो उनको सब भाषा तो नहीं आती है। कहने का मतलब कलाकार का गाने का जो तो होता है वो एक अलग व्याकरण है, वो कलाकार खांचा है, और मतलब इससे जो भी शब्द है या जो भी ये है वो एक एक खांचा बना हुआ है, जैसे और कलाकार होता है खच्चा मिट्टी, उसको जिस सांचे में डाल दीजिए, जिस खांचे में डाल दीजिए, पतला में ईंटा बनाइए, खपड़ा बनाइए, बर्तन बनाइए, जो बनाइए वो बन जाएगा। कलाकार खच्चा मिट्टी होता है, तो जिसमें डाल दीजिए, कन्नड़वा गवा लीजिए, तेलुगु गवा लीजिए, मलयालम पंजाबी गवा लीजिए, बंगाली गवा लीजिए, गुजराती मराठी पंजाबी कुछ भी गवा लीजिए जी। एक सवाल आपसे अंतिम सवाल आपसे है, इतना सारा कुछ तो आप कर लिए, आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु जी गजान सालुंगिया जी हैं, किराना खराना के हैं। मेरे गुरु जी शहनाई बजाते हैं, मैंने गुरु जी वोकल गुरु से नहीं सीखा है मैंने, मेरे गुरु जी शहनाई बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं काफ़ी, खासकर भी मेरे गुरु जी मुरारी बापू के कार्यक्रम में, अक्सर अगर आप मुरारी बापू का कार्यक्रम देखें तो उसमें वो अभी वहाँ हैं, उनका भी काफ़ी चीज़ सिनेमा में हिट हैं, आप सुने होंगे निम्बोड़ा 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 निम्बोड़ा, ये जो गाना जो है वो चुनिया के पीछे नहीं, उसने इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट बजाया हम लोग उनका, तो मैंने उनसे संगीत सीखा लिया। अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, अभी मैं भी संघर्ष में कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहा तो मैं भी आगे, मेरा भी आगे कुछ करूँगा। मैं सिर्फ अपने सेवा भाव से हूँ संगीत में, और नाम होना और दौलत आना, सेवा वो होना, दौलत शोहरत जब होना होगा वो भी हो जाएगा, लेकिन जैसे अभी तक 40 साल की आयु तक अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा हुआ, और मैं संगीत की सेवा में हूँ। मुझे अच्छे अच्छे चीज़ को गाना, अच्छे अच्छी चीज़ को अपना वो लेके आगे लाना मुझे बड़ा ही पसंद है, मुझे वो चीज़ करने में बड़ा ही मज़ा आता है, वो चीज़ मैं समझ कर रहा हूँ। तो बिहार के मधुबनी से आप आ चुके हैं, मगर अपना सारा समय बम्बई में रहता है जी, वहाँ को मतलब बम्बई में इस तरीके से आकर और बिहार को पसंद है। देखिए जन्म स्थान तो अपना सबसे प्रिय होता ही है, ये जन्म स्थान है, और
मुंबई मेरा कर्म स्थान है, मुंबई में हूँ तभी जाकर मैं 15 भाषा में गाना गाया, मुंबई में हूँ तो कई भाषा की जान कई भाषाओं की जानकारी भी, मुंबई में हूँ तब मुझे मालूम पड़ा कि संगीत क्या है, अन्यथा मैं गांव में होता तो आज भी मैं मानता हूँ कि एक इतना बड़ा ये नहीं होता जो आज जो बड़े बड़े मंच मुझे मिल रहे हैं मुंबई के नाम से मिल रहे हैं। अब मुंबई में मैं कर रहा हूँ, अब मुंबई ही नहीं मुंबई से बाहर अभी मैंने अबू धाबी में संगीत सूफी महोत्सव था वहाँ तो जी यूएई में है, यूएई दुबई का एक जगह है दुबई में है यूएई में, तो वहाँ भी किया और काफ़ी जगह में मेरा चल रहा है, मैं टूर अभी टूर था पंजाब का गुजरात पंजाब का दुर्गा पूजा में मैंने पंजाब कश्मीर और यूपी में शो किया, उसके बाद यहाँ आया अभी फिलहाल अभी मैंने राजगीर में पुलिस अकेडमी कर यहाँ पे प्रशिक्षण होता है दरोगा और एच डी ओ का डीएसपी का वहाँ मैंने अभी प्रोग्राम किया, फिर पटना में आपके यहाँ आया प्रोग्राम किया मधेपुरा में गोपाष्टमी में और आगे भी है बस चल रहा है ऐसा। तो बिहार मधुबनी मिथिलांचल मेरा जन्मभूमि है और मुंबई मेरा मेरे कर्मभूमि है, मेरे लिए दोनों पूरक है। मधेपुरा आके आपको कैसा लगा? मधेपुरा आके बहुत बहुत अच्छा लगा, इससे पहले भी मैं मधेपुरा में आया हूँ सिंहेश्वर महोत्सव में और दोबारा मुझे बुलाया गया इसलिए मधेपुरा के वासी और पूरे यहाँ की जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। खासकर गोपाष्टमी में गोपाष्टमी के जो समिति के जो सदस्य हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी मधेपुरी और यदुवंशी जी और हमारे नाजिर साहब और खासकर एनडीसी साहब जो हैं रजनीश सर, उन लोगों को बहुत बहुत नमन करता हूँ कि उन लोग के उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप लोगों का प्यार मैं पाया, उन लोगों उन्होंने मुझे मंच को दिया और इस मंच के माध्यम से आप लोगों का मैंने प्यार पाया। अगर अगली बार आपको बुलाया जाएगा तो क्या मैं दौड़ के आऊँगा? मैंने तो पहले मंच पे भी बोल दिया कि इसी मिट्टी इसी पानी का हूँ, कभी भी बुलाइए। मैं एनडीसी साहब को भी बोल दिया, मैंने कमिटी में पूरा मीडिया में कह रहा हूँ कि कभी भी मधेपुरा के लोग मधेपुरा की जनता का इतना प्यार मुझे मिला है कभी भी बुलाएंगे, सिर्फ उनको फ़ोन करने की बात है कि विनोद भाई इसे इतनी तारीख कार्यक्रम है मैं सीधे हाजिर हो जाऊँ, खाली फ़ोन करना है हाजिर हो जाऊँगा मैं बस। मेरा एक छोटा सा सवाल जी और हम सुनना भी चाह रहे हैं जी कि आप जो उस गानों को काफ़ी पसंद करते हैं और दर्शक भी काफ़ी पसंद करता है वो थोड़ा गुनगुना जाए। देखिए बिल्कुल मैं तो बहुत सारे गाने गाया ही हूँ, अभी क्या सुनूँ और बताइए आपको जो पसंद है जो बेहतर है जो अच्छा भी लगता है और दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं। कबीर की चीज़ को सुनाता हूँ वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है सुनेंगे। हो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ीवा, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ीवा, जरा धीरे धीरे जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। अरे गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाब, पहिया है लाल गुलाल, हाकड़ वाली छल छबीली भाई देखन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला। ये कबीर की चीज है, इसको मैंने अभी 5 गाने हैं इसको मैंने रिकॉर्ड किए हैं और थोड़ा फ्यूचर स्टाइल का रिकॉर्ड किया और शीघ्र आप लोग के समक्ष इस गाने को आप कितना दिला सकते हैं? ये गाने 6 अंतरे के गाने 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 10-12 मिनट का जाएंगे, जैसा कि आप कह रहे थे कि हम 3 घंटा तक लगातार कबीर को गा सकते, कबीर के और गाने एक ही गाना छोड़े ना, कबीर के और बोल हैं बहुत हैं। भला हुआ मोरी गगरी फूटी
भला हुआ मोरी गगरी पुट्टी में पनिया भरन से छुट्टी रे मेरे सर से टली भला भला मेरे सर से टली भला कबीरा भला हुआ भला हुआ कबीरा भला हुआ। कबीर को मैं उतार मैं अपने जीवन में बहुत कुछ चीज है जो मैंने उतारा है कबीर को, और कभी फिर इस पे चर्चा करेंगे। कभी सिर्फ कबीर सुनने के लिए बुलाइए तो देखिए बड़ा मजा आएगा, सिर्फ कबीर सुनिए। हालांकि बहुत कम लोग हमारी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो चीज़ मैं गाता हूँ इसके दर्शक श्रोता बहुत कम है। मैं गाता क्योंकि मैं पोइट्री का ज़्यादा गाता हूँ, बॉलीवुड गाने वाले भी बहुत हैं, मैं पोइट्री ही गाता हूँ। मीरा कहता कबीर को गाऊँ, आपको बाबा भुल्ले साहब को गाऊँ, आप मुझसे अमीर खुसरो को सुनिए, इन चीज़ों को मैं गाता हूँ। तो कभी कबीर सुनिए तो कबीर ही गाऊँगा मैं। तो जैसा कि आप जान पाए कि गोपाष्टमी महोत्सव के शुभ अवसर पर विनोद गवार जी मधेपुरा आए थे, उनसे हम खास बातचीत किए और उनकी जिंदगी का क्या सफर रहा उन्होंने हमसे बताया। इस वक्त के लिए मधेपुरा से विदा लेते हैं।